हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स आज बहु रेसिपी व्लॉग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी छोटी होली, आपको और आपके परिवार वालों को, हमारे परिवार की तरफ से। गाइस मॉर्निंग हो चुका है, हमारा काम धाम सारा हो चुका है, तो अब हम जो गुजिया बनाएंगे या नमक पारे वगैरह बनाएंगे उसका सामान की तैयारी करते हैं। क्यों, अब पहले शिवांश को सुलाएंगे उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि वो तो करने नहीं देगा कुछ वो भी, कहता मैं करूंगा। तो चलिए अपने इस व्लॉग को आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। आगे आगे जो होता रहेगा पता चल जाएगा, तो हमारे व्लॉग में बने रहिए। मैंने शमुकली टी शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर की थी, एक ही की थी पहले कि देखते हैं कपड़ा कैसा आया। कपड़ा बड़ा सॉफ्ट सा आया, गर्मी नहीं लगेगी उसको। तो मैंने आई लव मॉम डैड की मंगाई थी, जो बड़ी प्रिटी लग रही थी। मैं देख रही थी कि साइज़ वगैरह कैसा आता, ओके ओके, क्योंकि हमने एक बार पहले भी मंगाया था तो साइज़ ओके ओके नहीं आया था हमारे। एक्सेल डबल एक्सेल भी अजीब से आए थे, बट इनका साइज़ एकदम परफेक्ट आया शिवांश के लिए। जब इसको पहनाऊंगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी, बड़ी सुंदर लग रही है टी शर्ट। तो गाइस आज मैं आपको बताना चाहूंगी एशिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड बेटिंग एक्सचेंज, जिसका नाम है 1xBet। 1xBet पे आप जैसे रोलेट, पोकर, कसिनो, अंदर बाहर जैसे 300 प्लस गेम्स और क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे 100 प्लस लाइव मैचेस पे बेट लगाकर लाखों का अर्न कर सकते हो। यही नहीं दोस्तों, मैंने भी एक 1xBet पे एक गेम ट्राई किया है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे मैंने इजिली से विन किया और इंडियन पेमेंट मेथड से इजिली से विड्रॉल कर लिया। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पे रजिस्टर करो, और रजिस्टर करते वक्त मेरे प्रोमो कोड शंभू1 लगाना मत भूलना, बिकॉज पहले ही 100 रुपीज डिपॉजिट पे मिलेगा 26,000 तक का कैश बोनस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, तो जाओ और अपने सपने पूरे करो सिर्फ और सिर्फ 1xBet के साथ, बेट विद ओनली 1xBet ऐप, अभी डाउनलोड करो। तो यहाँ पे मैंने इसको सुला दिया, एक बार सुला दिया तो फिर उठ गया, फिर दोबारा सुला दिया। तो अब करते हैं अपने होली की खान पान की तैयारी, यानी गुजिया वगैरह बनाते हैं, जब तक ये सोया है तब तक, नहीं तो कुछ काम नहीं करने देगा। चलो चलते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सारा सामान ले लिया है, तो मैदा ले लिया, 1 किलो मैदा लिया है, ये लिया है घी, ये मम्मी ने बनाया था घर में वो घी है, और ये पानी और दूध मिक्स कर दिया मैंने, दूध ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि ना दूध से गुजिया ना कड़कड़ी सी बनती है, तो मैंने दोनों चीज़ मिक्स कर दिए, ज़्यादा दूध नहीं लिया, पानी भी डाल दिया। तो अब पहले आटा गूंद देते हैं गुजिया के लिए। सबसे पहले घी डाल देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट घी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अपने मैदे के साथ। दूसरे के मैदा मत करना यूज, अपना ही मैदा यूज करना। तो आटा ना पहले ढक पन्नी में रख देंगे तो अच्छा बन जाता है आटा, जब तक तो गुजिया बनाएंगे, मसाला बनाएंगे। पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीलिंग बोलता है ना मसाला ने, फीलिंग फीलिंग। तो इसको अच्छे से ऐसे सारा मैदा, सारे मैदे में मोयन लगाना है ना, उधर चार उधर उस साइड में भी। तो अब इसमें हल्का हल्का करके पानी और दूध डाल के इसको अच्छे से गूंदेंगे, इसका डो लगाएंगे। हम नहीं गाइस, आटा रेस्ट करेगा, हम इसकी बनाएंगे फिलिंग। तो रखेंगे आटा, इसकी आटा रखेंगे इसको रेस्ट के लिए, फूल जाएगा ना सही से। इसको रख देंगे। मम्मी बनाने वाले, क्या बनाने वाले, नमक पारे, नमक पारे बनाने वाली है, तो उसके लिए भी मैदा चाहिए, ये मैदा है। घी भी उसी कटोरी में रखा मैंने जिसमें यूज़ किया था, साथ में अजवाइन चाहिए, वही दूध और पानी, और साथ में थोड़ा सा नमक। तो स्टार्ट करते हैं इसका आटा गूंदना। Thank you.
मट्ठी का जो है मीठी मट्ठी बनाएंगे, उसका आटा लगाएंगे, थोड़ा आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। तो गुजिया की फिलिंग के लिए हमें चाहिए ये बूरा, नारियल का बूरा है, सूजी है, नारियल का बूरा लेके आए हम, नारियल नहीं लेके आए, घसना वो ना मुँह में लगता है, तो ये नारियल का बूरा अच्छा लगता है, तो ये बूरा लेके आए हैं। साथ में सूजी लेके आए हैं, काजू लेके आए हैं, ये चिलौंजी है, और ये किशमिश, और ये मगज है, थोड़े से डालेंगे जो कि। तो बस इतना ही सामान चाहिए, बाकी मैदा तो आपको आटा दिखाई दिया, जब तक आटा रेस्ट करता है तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई लिया है, जिसमें हम पहले काजू को थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। हम बादाम नहीं लेके आए, सिर्फ काजू और किशमिश लेके आए हैं, क्योंकि हमें यही पसंद है, बादाम नहीं पसंद इतने, तो हम ये दो ही ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो देखिए सारे काजू जो हैं तोड़ लिए हैं रोस्ट करने के लिए, और एक इंग्रेडिएंट तो मैं भूल ही गई थी, गुजिया का मेन खोया। तो ये सब चीज चाहिए गुजिया बनाने, वो करते हैं ऑन। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी, 2 चम्मच के करीब, क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने हैं, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये हमारा घी हो चुका है अच्छे से गरम, तो इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट में जो कि काजू है सिर्फ हमारे पास, और इसको थोड़ा थोड़ा भून लेंगे हल्का घी में। बादाम लाना भूल गए गाइस हम, तो इसको अच्छे से भून लेंगे। किशमिश को तो भूनते नहीं, इसलिए किशमिश नहीं डाली मैंने, वो बाद में डालेंगे हम, सिर्फ काजू काजू को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये काजू हो गए हैं रोस्ट, हल्के हल्के जलाए नहीं है बिल्कुल भी, थोड़े थोड़े हल्के ब्राउन ब्राउन से हो गए, तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो जिस कढ़ाई में काजू रोस्ट किए हैं उसी में डालती हूँ मैं दोबारा से घी। तो इसमें डाल दिया मैंने घी, करीबन 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से गर्म होने दूंगी। तो कढ़ाई गर्म ही थी तो घी गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे नारियल का बूरा जितना हमें चाहिए, मिलाते रहेंगे बीच बीच में, हल्का ब्राउन ब्राउन सा कलर आने लग जाए ना तो निकाल लेना है प्लेट में। तो ये बूरा हल्का ब्राउन हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। तो इसी कढ़ाई में मैंने डाल लिया है घी, तो ये घी 2.5 चम्मच डाला है, बड़े चम्मच जो होता है 2.5, तो अच्छे से घी को पहले मेल्ट होने देंगे और इसे गर्म होने देंगे। घी हो गया हमारा अच्छे से गर्म, तो इसमें डालते हैं सूजी, तो हमने 2 पैकेट सूजी ली है। तो दूसरे वाले का 1/2 पैकेट डाला है हमने, पूरा नहीं डाला क्योंकि काफी हो जाएगी सूजी, इसलिए थोड़ा सा ही डाला और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसी तरह अपनी जो हमारी जो सूजी है रखी हमने, इसको भी ब्राउन हल्का ब्राउन हो जाएगा ना तब तक भून लेंगे अच्छे से, खुशबू आने लग जाएगी, पता चल जाएगा कि भून गई है, तो इसी तरह चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे लग जाएगी। फिर सूजी भी बस भुनने ही वाली थी कि हमारा सिलेंडर हो गया खत्म, अब मम्मी लगा रही है दूसरा सिलेंडर, उसने बोला बस अब मुझे नया चाहिए सिलेंडर। जी भुन गई है ऑलमोस्ट, तो थोड़ी देर से गर्म कढ़ाई में ही रहने देंगे तो ये अच्छे से भुन जाएगी। यहाँ पे सूजी अच्छे से भुन गई थी तो मैंने प्लेट में निकाल ली है, तो अब आगे का काम करते हैं। यहाँ पे इलायची पाउडर भूल गए थे हम लाना, तो ये घर में ही इलायची तोड़ के इसके बीज निकाल के ये कूट लिए हैं, बधर धरा तो बन गया इलायची पाउडर, इलायची दरदरा पाउडर। ये भी हो गया, ये भी रोस्ट हो गए, बस अब खोया बचा है, तो आगे बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें डालेंगे हम ये अपना खोया जितना भी लाए हम सारा का सारा। तो खोया डाल के इसमें अच्छे से इसको भून लेंगे खोया को, यहाँ पे खोया जो है मेल्ट हो चुका है हल्का, तो इसमें डालेंगे हम ये दरदरा पिसा हुआ इलायची पाउडर और किशमिश, इसमें डाल देंगे किशमिश साथ में, तो ये डाल देंगे किशमिश इसमें। किशमिश के साथ साथ मैंने काजू भी डाल दिया जो कि हमने रोस्ट किए हुए थे, और साथ में ये डालते हैं चिलौंजी जो कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, महंगी इंग्रेडिएंट, बस थोड़ा डाल दो, थोड़ा सा
सरदा से डालना गाइस, जितने आपके सरदा हो। और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा मगज, मगज अपना दिमाग नहीं मगज, तो मगज दिमाग को भी बोलते हैं आता मजा मगज टकला। तो इसको भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे। खोया वैसे घर पे बनाना चाहिए, बाहर वाले पता नहीं कैसे लोकल दे देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हल्का, इसमें सूजी ऐड कर देंगे बूरा अपना, है ना। तो अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है हमारा ये खोया, तो इसमें डालेंगे हम बूरा, जितना मीठा आप खाना चाहें मीठा। ये पीसी हुई चीनी है गैस, ये गोला का बूरा नहीं है, ये चीनी पीसी हुई है। ऑर्डर हाँ बस तो ये डाल दिया हमने, तो मीठा अपने स्वाद अनुसार डालें आप। कई लोग मीठा कम खाना पसंद करते हैं, कई थोड़ा सा ठीक, हम भी ठीक ठाक। तो मीठी अच्छी लगती है, तो फीकी फीकी वो थोड़ी अजीब सी होती है, इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा डाला है पूरा मीठा। ज्यादा नहीं डाला हमने, लिमिट में डाला गाइस। तो ये से मिक्स कर देंगे अच्छे से, और साथ ही इसमें डाल देंगे भुनी हुई। ये बैटर खाली खाने में बहुत टेस्टी होता है, बच जाए तो खा लेंगे, है ना। इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है, इसमें जो थोड़े थोड़े से ढिले जैसे बचे ना, ये थोड़ा सा ठंडा होके मैं जब रात में डालूंगी ना तो हाथ से कर देंगे इसको मैश। फिलिंग रेडी है, आटा लग गया है, बस अब गुजिया बनानी रह गई है, तो गुजिया भी थोड़ी देर में बनाएंगे। समूह भी उठ गया है, तो समूह के लिए खिचड़ी बनाई थी, तो थोड़ी सी खिचड़ी मैं भी खा लूंगी इसी के साथ। मम्मी ने भी खिचड़ी खा ली है, दीपक ने रोटी थी उसे मटर आलू की सब्जी के साथ खा ली, तो अब हम खा लेते हैं खिचड़ी। खा लिया खाना, आप देखो भागा दौड़ी है, देखना तेल की बोतलें लाल ला के पता नहीं कहाँ फेंक रहा है। उसके पापा भी आ गए आज जल्दी, पापा के पीछे लगा हुआ है, पकड़ो मुझे गोदी पकड़ो, बस पापा गोदी पकड़ेंगे, है ना। देख लो मारूंगे गुस्सा। तो अब खाना पीना भी हो गया, बर्तन धोने भी हो गए, तो अब करते हैं तैयारी अपनी, जो जो हमने बनाना है उसकी तैयारी करते हैं। तो ये बैटर कर दिया है मैंने पराठ में ट्रांसफर सारा का सारा, और इसको जो डिंडे से बने थे अच्छे से मैश कर दिया, थोड़े बहुत रह गए, वो कोई नहीं, गुजे में दब दब के ठीक हो जाएंगे, आधों के अंदर तो किशमिश है इसलिए मोटे मोटे से और के। तो ये फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, ये इतना सारा इसलिए बनाया क्योंकि आधा कटोरी में रख के मैं खाऊंगी, मुझे पसंद है, बाकी हम एक एक कटोरी हल्के खा लेंगे। मैंने ले लिया है प्लेट, क्योंकि हमारा जो चकला है ना, चकला छोटा है, इसका साइज छोटा लगा मुझे, इसलिए मैं प्लेट में बड़ी सी रोटी बना के तो उसे कट करूंगी। नहीं लगाया वैसे, देखिए ऐसे जोड़ना आटे को, इसे आधा घंटे से ज्यादा हो गया, पौना घंटा हो गया गाइस, थोड़ा सा हमने खाना बनाया दिन का खाना खाया। तो मैंने तीन लोई में काट लिया गाइस, क्योंकि हमें मोटी मोटी नौ पाने बनाने, मोटी मोटी का जेंडर चेंज कर दिया, मोटे मोटे लड़की है मोटी मोटी। ये मोटा भी हो सकता है मोटी भी हो सकते है मोटी। एक मोटा एक मोटी एक मोटे के बच्चा, तीन कर रखे फैमिली पैक बना। तो थोड़ा सा मैं लूंगी, आई नहीं रहा थोड़े के चक्कर में ज्यादा आ गया, थोड़ा सा चिकना कर लूंगी ना। इसकी रोटी बनाएंगे, पहले इसके तेल तो गरम करना, तो खाली कढ़ाई तो गैस, हम लोग कढ़ाई ले ली है और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। मैंने गुजिया बनाने तो पूरा पैकेट डाल दूं, बड़ी कढ़ाई में ना ज्यादा आ जाएंगी, इसलिए बड़ी कढ़ाई ली है, नहीं तो हमारे पास मीडियम साइज की भी है। कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल, तो उसको होने देंगे गर्म, हमारे नमक पूरे रेडी कर लेते हैं। मोटे वाले जो नमक पारे होते हैं ना वो बना रहे मीठी जो बोलते हैं, तो इसे हम कट कर लेंगे। ये नमक पारे मीठे बना लेगा, इस नॉर्मल नमक पारे नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत खा चुके हैं। ये
का छोटा छोटा ना मुफारा। तो ऐसे हम सारे काट लेंगे। तो जब तक हो रहा है तेल गरम, बन रहे हैं यहाँ पे आधे बन गए हैं, तब तक बनाते हैं नमक पारों के लिए चाशनी। हम बना रहे हैं गुड़ की चाशनी। क्योंकि गुड़ ले लिए हैं और ये पानी गरम भी हो गया, इसमें डाल रहे हैं गुड़। एक चुटकी नमक पारे की कीमत तुम क्या जानो तेल बाबू। तो ये ऊपर आ गया ना। हो गया हो गया, डन ना। 1 2 3 स्टार्ट। गाइस मैं डाल रही हूँ आराम से। ऐसी मम्मी सारे डाल देगी। यहाँ चाशनी भी बन के रेडी है, गुड़ की चाशनी। ये हमने सारे नमक पारे अभी धीरे धीरे आंच पे पकाना है। तो हमारे फ्राई हो रहे हैं, अभी तेल अच्छे से ब्राउन होने देंगे फिर निकालेंगे। तो आधे मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि मेरे ज्योति का फोन आ रखा है, तो ज्योति से बात हो रही है। हमारे नमक पारे सिक गए हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे जो गुड़ की चाशनी है इसमें डाल देंगे इनको। ताकि जो चाशनी है वो सभी नमक पारो नमक पार में लगे। अरे वाह। 1-2 मिनट गुड़ में रहने देंगे, थोड़ा पकने देंगे फिर बंद कर देंगे। तो घर में बैठ गए हैं, अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये। तो गाइस फाइनली बन गई हमारी गुजिया। पहली गुजिया। मैं भी बना रही हूँ गुजिया, देखते वैसे बनती ही नहीं। दबा के एकदम से खींचो मत ज्यादा, नहीं तो वो अंदर का भी निकल जाता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, फट गया है जो ऊपर से। जय माता चुपका देंगे, नहीं फटा। अच्छी बनी है ये, गुड जॉब। बेबी बहुत सॉफ्ट होती है इसलिए बेबी गुड जॉब। यहाँ से हल्की सी हो गई बट कोई नहीं, चल मत कर देना। वो है वो बन गई गुजिया। तल रहा है गुजिया, मैं भुजोल वाली थी मम्मी को उठा नहीं रहे क्योंकि परेशान क्यों करना है फालतू में ना, इसीलिए हम अपने आप ही बना रहे हैं। इस बार मम्मी को आराम थोड़ा सा, बहुत मुश्किल वाला काम है गाइस। गुजिया खाना तो आसान है बट बनाना मुश्किल है, बट बीच बीच में एंजॉयमेंट होता रहना चाहिए। अरे तो कमेंट में पॉजिटिव एनर्जी भी तो जरूरी है ना। कमेंट में बताना कि कौन कौन ऐसे बीच बीच में गुजिया के बीच में उसकी फीलिंग खाता है। मुझे फीलिंग ही फीलिंग अच्छी है, मुझे गुजिया भी मत दो ना, मैं फीलिंग खा लूंगी। एक कटोरी मैंने इसलिए ज्यादा बनाई है फीलिंग, फिर मैं इसे कटोरी कटोरी भर के खा सकूं। थोड़ी थोड़ी पत्थर बनी है तो ये काफी सारी बन गई, मुझे नहीं लगता बनेगी बट ये भी एक ही है। अभी हम टेस्ट करेंगे बताएंगे कैसे बनी है। ये वाली तो खाना ही ठंडी है थोड़ी गर्म है। तो अब सारी गुजिया बन गई है, तो अब हम भी थोड़ा थोड़ा आराम कर लेते हैं, चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस अब गुजिया वगैरह बन गई, गुजिया और जो मम्मी ने मीठे पारे बनाए थे वो हमारे बन गए हैं, डन हो गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि कल एक्चुअली हम सामान नहीं लेके आए थे होली का, तो आज हम जा रहे हैं होली का सामान लेने के लिए। तो मम्मी अभी दिया जलाने के लिए गई थी, अब हम जाते हैं थोड़ा सा रंग वगैरह पिचकारी वगैरह से वहां के लिए दीपक के लिए लेके आते हैं। चलो चलते हैं मार्केट। तो ये जलाया मम्मी ने दीपक गेट पे। तो मैं मम्मी दीपू और शमू जा रहे हैं, शमू और दीपू आगे चले गए हैं कलर लेने के लिए जा रहे हैं हम। थोड़ा यहाँ पे वैसे प्राइवेट कॉलोनी में अच्छी होली खेली जाती है, यहाँ पे तो अपना अपना खेलो। बट तो किसी से किसको
बट हम भी खूब इंजॉय करके खेलते हैं। हमारी हमारी होली व्लॉग देखा होगा आपने, कितने इंजॉय। पिछली बार तो ज्योति भी थी, इस बार तो ज्योति अपने ससुराल है, पर हम खेलेंगे मस्त वाली होली। चूचू आ गया, भात चूचू डॉगी देख के बस बो सब गाड़ी चला दे। यहाँ पे बनी हुई है होली का पूजा हो रही है यहाँ पे। धनिया, हरा धनिया ले लेंगे, ले रहे हैं हम कलर 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 देखते हैं कौन सा कलर लेंगे। यो गाइस, मम्मी ने अभी हाईलाइट करा अपने बाल, आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज वीडियो में बताना। मम्मी ने हाईलाइट करा अपने बाल, इसे से ही लगा ले तो बहुत हल्का है, देखो हल्का ही होता है। एक दिन करने को जल्दी करने का मैंने चाली देने मैम, ठीक है। कैसे कलर का है? लाल, हरा कलर है और लाल कलर, लाल कलर का है उसके फिर घर पे। फिर ये वाली पड़ी है उसके पास घर पे, ये कितने की है पिचकारी? ये वाली कितने की है? और ये वाली वाले बैलून में पाइप रहता है, मतलब ऐसे वाले दे दो, देखा कलर दे दो, रेड ग्रीन ब्लू मोदी जी लग रहे हैं। मोदी जी हैं हमारे। सारा सामान ले लिया, अब जा रहे हैं हम घर, तो घर जाकर दिखाएंगे हमने क्या क्या सामान लिया है। तो हम भूल गए थे रिकॉर्ड करना, तो घर जाके दिखाते हैं। भाभी कहाँ गई? मैं छोड़ के कहाँ भाग गया? तुम्हें देख में नजर नहीं, मेरे मुंह पे इतना घी था। मैं यहाँ करो मुंह के, क्या करना है इनका? घर पे लगाना है भाभी। हाँ डाल दी मैं होगा भाभी, सबको तुम दिखा दो। जोर से खींचो, घंटे हाँ ऐसे बाहर को खींचो टन, हाँ ऐसे खुश हो गया वो, देखो आंटी हो जाएगी ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ, पत्ता भी मारा जाएगा नहीं तो नहीं। हाँ रंग चढ़ेगा, पापा को भी लगाया था बंदूक देखो, शम्मू के लिए पिचकारी लाए भैया, ये देखो गाइस देखो ओ मेरी हीरोइन, हैप्पी होली गाइस। किस देख रहे बोले हैप्पी होली, देखो देख समू देख पिचकारी भी दिया। तो ये हमारे गुड़ के बने नमक पारे बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। अब तो इसको मैं कर देती हूँ बाउल में ट्रांसफर, क्योंकि अब गुड़ जो है, गुड़ की जो चाशनी है वो सब पे ही अच्छे से लग गई है, तो इसको मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। ट्रांसफर तो ये हो गए हैं रेडी। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे क्यों किया आपने, बेल आइकन भी तो साथ में प्रेस करनी है ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके मिले।
और हम आपको ऐसे दिखते रहे, हमें ऐसे सुनते रहे और अच्छे से कमेंट करते रहे। और आई होप आपको हमारी ये गुजिया बनाने की जरूरत है, हम थोड़ा लेट डाल रहे हैं ब्लॉग, मैं तो गाइस सो गई थोड़ा लेट बना रहे, कोई नहीं, बट आप अगली होली में ये रेसिपी देख के बना सकते हो। और गुजिया बहुत टेस्टी बनी थी, पूनम ने बनाई, और मम्मी ने जो शक्कर पारे बनाए थे सोनू दीपो तीनों किचन में लगे थे, मैं खराटे मारे तो मम्मी थक गई थी इसलिए मम्मी सो गई थी, थक नहीं थोड़ा हेडेक हो रहा था बस, बाकी कुछ नहीं। मिलते हैं नए रेसिपी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।